अरे तो चाय दे दी भाई साहब। लो भाई हाँ भाई क्या चल रहा है इस बार गांव में इलेक्शन का? चलता है क्या हर बार की तरह इनके चच्चा ही जीतेंगे इस बार भी? हाँ यार ये तो है, इनके चच्चा का दबदबा बहुत है गांव में। अजी मेरे कद्दू का दबदबा, हारेंगे इस बार, जिताने वाले हमें तो हराने वाले भी तो हमें, मुंह के बल गिरेंगे। अबे क्या बात हो गई ऐसी? अबे 10,000 रुपए मांगे तो मींच रहे, मैंने चुरा लिए तो उन्होंने यार मुझ पर थप्पड़ी थप्पड़ फेर दिए। मैं खिस्सी आ गया, मैंने कि लो सालो इस बार तुम्हें चेयरमैन ही हरा हूँ। अबे पैसे चुराओ तो आफत, मांगो तो आफत, ऐसे भतीजों का होगा क्या फिर? कौन देखेगा भतीजों को? सही बात है यार तुम्हारी भी। इस हिसाब से चेयरमैन कौन बनेगा? बनेगा या बनाऊंगा? कासिम भाई। कासिम भाई? मैं सोचा यार कि समीर का नाम ले रिया, उस भिखारी के कच्चे में तो कुछ चार छेद है। चार छेद? तू इतने अंदर जाई क्यों रिया? इस हिसाब से तूने नोला बोला भी देख लिया होगा उनका। अबे ना, वो 12 पे नहरिया था तो मैंने दूर से देख लिया। अच्छा चल इस बात को छोड़, तू तो बस मेरे साथ चल कासिम भाई के घर तक और जो मैं कहूँ हाँ मैं हाँ करता रहिए। ठीक है? ठीक है। अबे पैसे तो देके ही ना गया। अरे साला चिप्स लेकर आ गया और पैसे भी ना देके गया। अरे तो कितने रुपए हो गए मुझे बता, मैं दे दूंगा। 10 रुपए ले पकड़। चल भाई चल, तू आ कासिम भाई के यहाँ चलना है। अरे कासिम भाई के यहाँ बाद में जाइए, पहले चाय के पैसे तो दे दो। बस अभी चाय के पैसे? एक तो तुम्हारी चोर पकड़वाने है, मदद कर दी 10 रुपए बचा लिए, फिर भी पैसे मांग रहे हो। हाँ यार ये भी बात ठीक है। चलो तू कासिम के यहाँ चल। तू चोरी क्यों कर रही था? घर में प्रॉब्लम है ना इसलिए। स्मार्टफोन है तेरे पास? हाँ हैगा। तो प्रोबो यूज करना। प्रोबो? ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तू यहाँ ज्ञान बांट सकता है और तो और प्रॉफिट बना सकता है, सिर्फ हाँ या ना में अपना ओपिनियन देकर। मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी हो, क्रिकेट हो, फाइनेंस हो, यूट्यूब हो, यहाँ तक कि मौसम हो, इस पर सिंपली यस और नो में जवाब दो और सही होने पर कंफर्म पैसा कमाओ। ट्रस्टेड ऐप है क्या ये? बिल्कुल भाई, प्रोबो को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपने ओपिनियंस का सही इस्तेमाल करके बड़े रिवॉर्ड्स भी जीतते हैं। ये तो सही ऐप है पर भाई इसे यूज कैसे करते हैं? भाई इसको यूज करना बहुत आसान है। रुको मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ और उनपे अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करना है वो दिखाता हूँ। इंडिया टू विन द सेकंड ओडीआई मैच वेस्ट न्यूजीलैंड। इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है और विराट बैक टू बैक 100 मार रहा है, ये मैच इंडिया ही जीतेगी, यस कर दो। और अगर तुम अपने ओपिनियन पर शोर हो तो तुम इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। भाई लेकिन जीतने के बाद रिवर्स विड्रॉ कैसे होंगे? फन सेट करना और विड्रॉ करना बहुत आसान है। गूगल पे, पेटीएम, कार्ड, किसी भी माध्यम से अपने जीते हुए रिवर्ट्स को तुम विड्रॉ कर सकते हो। ये तो सही ऐप के बारे में बता दिया भाई, अब मेरा ओपिनियन खराब नहीं जाने दूंगा। आप भी जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोबो डाउनलोड करो और मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे मिलेंगे आपको अप टू 25 रुपए। डाउनलोड करो, प्रोबो करो। चल भाई चल। तो क्या हो रही है मेरे बच्चों? हाँ चेयरमैन साहब, हमारा क्या होगा, होना तो तुम्हारा है, पूरे शहर में जहाँ जाओ तुम्हारे चर्चे। अबे इतना चर्चा तो मैंने किसी रंडी का ना सुना जितना तुम्हारा सुनिया हूँ आसिफ भाई। अबे बेटा कहना क्या चाह रहा है ये बता। हमारा चेयरमैन साहब कहने का मतलब ये है कि इस बार इलेक्शन में तो हमारे खुद के चचा भी खड़े हैं लेकिन उनकी कोई कुत्ता गालना मार रही है, जहाँ जाओ कासिम भाई कासिम भाई। मुझे तो लगा है चेयरमैन पक्के हैं इस बार। अबे ओ इस भिखारी को कोई भीग ना दे, वोट तो जब मिलेंगे, कहाँ से चेयरमैन लग रहा है, साला कवाड़ी लग रहा है मुझे तो। तुझे समझा के लाया ना लाया के मेरी हाँ में हाँ करिए बस। अभी इन्होंने 2 करोड़ रुपए की जमीन बेची है, कहीं खर्च करवागा ना करवागा। अबे इनके साथ इसी बहाने थार में घूम लेंगे, खाएंगे पियेंगे, मौज करेंगे, अय्याशी काटेंगे। साला ना भिखारी है ना कुत्ता, और कवाड़ी भी तो तू ही है साला जानवर, बस हाँ में हाँ करता रहे वरना घूमेगा तंबूरा लेके खाली हाथ। अच्छा सॉरी। हाँ तो चेयरमैन साहब क्या इरादा है इस बार का? इस बार यार हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पब्लिक वोट के नाम पे पैसा खा लेती है। पिछली बार हमारे घर घर के वोट आए हम पे 6-7, परिवार वाले भी गंडिया गए। ये जो बाहर अपने आप ही चेयरमैन के नारे लगा रहे हैं ना तुम्हारे के कासिम चेयरमैन, ये मैंने ना लगवाए हैं, खुद लगा रहे हैं। अबे इलेक्शन पे तो हमारे खुद के चचा भी खड़े हैं, चाहते तो हम उन्हें जिता देते लेकिन नहीं, दिली मोहब्बत है तुमसे इसलिए तुम्हें जिताने आए हैं कासिम भाई। बात तो तुम सही कह रहे हो, जाओ जाके नारे लगवा दो, कासिम चेयरमैन उतर चुका है फील्ड में, इस बार नेता नहीं बेटा लड़ेगा, जाओ जाके इलेक्शन की तैयारी करो तुम दोनों। अरे चेयरमैन साहब चुनाव चिन्ह क्या है? अरे बेटे केले का चुनाव चिन्ह मिला है। केले का? आलू टमाटर वोट दो, कासिम भाई के केले पे वोट दो। जीतेंगे चलो कासिम भाई, जीतेंगे कासिम भाई। सारा मोहल्ला ये वाला अपना एक एक वोट अपनी जेब का है यहाँ पे, बुलाओ बुलाओ। अरे हर्षद भाई
बाहर को आइए जरा। हाँ भाई क्या काम है? अरे अर्षद भाई काम को छोड़ो यार, चेयरमैन साहब खुद आए तुम्हारे घर पे, चाय कोल्ड ड्रिंक कुछ तो पिलवाओ। यार चाय पानी तो घर आया था यार, बहू की यार तबीयत खराब है, डॉक्टर ने यार ऑपरेशन को बोला, पैसे हैं नहीं। अबे बहू की तबीयत खराब है तेरी तो कोई बात ना, तूने हमसे पहले क्यों ना बताई? अबे चेयरमैन साहब किस लिए आए हैं? ये गाँव की भलाई के लिए चेयरमैन बनेंगे, पैसा वैसा नहीं खाएंगे ये बिल्कुल भी, पैसे तो चेयरमैन साहब। अरे देखो यार, यार क्या देख रहे हो, अपने गाँव का वोट है दो यार लो। और हाँ बहू ठीक हो जा तो वोट चुनाव चिन्ह केले पे ही देना है। टेंशन मत लो, वोट हमारे कासिम भाई के केले पे ही आएगा। ठीक है लो इसे अपने घर के बाहर चिपका लो। और अरे आलू बैगन वोट तो अरे गंगे, ये चेयरमैन साहब है हमारे, चुनाव चिन्ह केला है और वोट इन्हें ही जाना है। वोट तो दे देते पर क्या हुआ? 3 दिन से घर में खाना ना बना है, काजू बादाम पिसवा के छोके पी रहे हैं, बहुत भुखमरी चल रही है घर में। अब नहीं मोहल्ले में इतनी गरीबी चेयरमैन से। पैसे तो चेयरमैन साहब आटे के लिए, चेयरमैन ही जीतने के बाद दे देंगे बेटे। अरे यार अभी तो वोट पक्का करना है तो। अबे गिनते क्यों हो तुम? लो और वोट केले पे ही देना। बिल्कुल केले पे ही वोट जाएगा। और आओ हमारे साथ नारे लगाएंगे। चलो अरे आलू टमाटर घोट दो, आलू टमाटर घोट दो भाई। सुनो आज नारेबाजी बहुत हो गई है, अब कल इलेक्शन है वहाँ देखेंगे नारेबाजी का। चलो अब अपने अपने घर जाओ और बता दो वोट सिर्फ केले पे ही रखना चाहिए। केले पे कासिम भाई के। चेयरमैन साहब मेरी बात सुनो अब। हाँ बताओ। देखो चेयरमैन साहब आज तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कितना वोट पक्का करा दिया मैंने तुम्हारा, पूरा गांव तुम्हारे पीछे था एक तरफ। अब तुम मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अपने घर पे बांट सकूं, जिससे कि मेरे घर वाले अपने चचा को वोट ना दे करके तुम्हें वोट दे। मैं कैसी रही? बिल्कुल सही, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार। पैसे गिनो मत चेयरमैन साहब, गिनने की आदत छोड़ दो, क्योंकि चेयरमैन बनने के बाद पैसा इतना आता बहुत ज्यादा, कहां तक गिनोगे? चलो कल सवेरा मिलना यार वोटिंग पे, है ना? ठीक चेयरमैन साहब, सुबह वहीं मिलेंगे तुम्हें। लड़कों ने यार मेहनत बहुत करी है जो बात है, मुझे लगता है मैं चेयरमैनी का इलेक्शन जीत ही जाऊंगा इस बार तो। क्यों ना एक काम करूं, आज रात को मीटिंग रख लूं, लड़कों से मशवरा लेकर आता हूं यार। अबे बावले हो कौन, हो तुमसे एक्टिंग ना होती बिल्कुल भी। तुझसे कही थी मैंने अपने अब्बा का ऑपरेशन बताइए कैंसर का, तूने अपनी बहू का बता दिया साले। अबे अब्बा का कैंसर का ऑपरेशन बता दो, ज्यादा पैसे मिलते। चल पैसे ला यहां को, चल पकड़ इन्हें, चलो पैसे ला। ये देखो साले की सूरत देखो कैसा गरीब है, काजू बादाम पिसवा के तो छोके पी रिया। तुझे और बहाना ना मिल गया तुझे? तुझे अब ना आई दिमाग में जल्दबाजी में? दिमाग में दिमाग होगा तभी तो आ गई। अरे पकड़, 400 रुपए। 400 रुपए बस यही मिलेंगे, इतनी एक्टिंग के इतने पैसे। थोड़े बहुत पैसे हमें भी दे ही दो। अब ये कौन है, किस बात के पैसे दे? मैं चेयरमैन साहब, बोर्ड पक्का कर रहे हैं देखो। तुम्हारा बोर्ड पक्का मैं कराऊंगा।